अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बेल के जूस को लेकर। आज हम बेल का जूस बनाएंगे। बेल पत्थर जो होती है, ये देखिए, ये हमें जो थोड़ी येलोइश कलर में होती है, इसको इस कलर में लेनी है। अगर थोड़ी ग्रीन होगी तो वो कच्ची निकलेगी और टाइट होगी, इसलिए येलो कलर की ही लें। और इस तरह से किसी भारी चीज़ से, हथौड़ी या किसी भारी चीज़ से इसको तोड़ लें और इसको बीच से धो करके इसके अंदर का हमें पूरा जो माल होता है वो सब निकालना है। गुदा, ये देखिए इस तरह का गुदा हमें ये सब चम्मच की मदद से निकाल लेना है। ये बिल्कुल पकी हुई बेल है, ये देखिए कितनी अच्छी एकदम सॉफ्ट निकली है अंदर से। इसको हमें चम्मच की मदद से पूरी तरह से निकाल लेनी है। और ये जो इसका चिपचिपा सा इसका राला होता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको अलग नहीं करना है, इसको भी साथ में ही इसके निकाल लेना है। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, अलग निकाल देते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसको हमें साथ में ही इसके मैश करना है। इस तरह से हम पूरा गुदा निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। इसका छिलका बहुत ही हार्ड होता है, इस वजह से किनारे में जो गुदा लगा हुआ होता है थोड़ा देर से निकलता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसके साथ में। इस तरह से हमें सारा गुदा इसका निकाल लेना है। ये देखिए पूरा गुदा मैंने इसका निकाल लिया। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको सॉफ्ट कर लेंगे। पानी में मिक्स हो जाएगा ये अच्छी तरह से, इसमें मसल कर इस तरह से हमें अच्छी तरह से मसलना है इसको, ताकि पानी में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और फ्रेंड्स, आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप नए मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखिए इस तरह से ये सारा मिक्स होकर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम एक छलनी ले लेंगे, किसी भी तरह की आप छलनी ले सकते हैं। तो छलनी में डालकर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से नीचे को छान लेना है। आप अगर चम्मच और किसी और चीज़ की मदद से करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, हाथों की मदद से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ। इस तरह से हमें हाथों से पूरी तरह से इसको नीचे को छान लेना है, हाथों की मदद से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है और जल्दी निकल जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें सारा गुदा निकाल लेना है। और ये देखिए पूरा गुदा निकल चुका है। अब हम इसमें ये बूरा डाला है मैंने, चीनी भी डाल सकते हैं आप। दो कटोरी बूरा डाला है मैंने एक बेल के गुदे में, और थोड़ा सा पानी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग पतला गाढ़ा जैसा भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। मैंने दो कटोरी बूरा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 लीटर लगभग पानी डाला है। आप अगर पतला रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। कुछ लोग दूध डालकर पीना पसंद करते हैं, अगर दूध डालना चाहते हैं तो आप दूध डालकर भी इसको बना सकते हैं, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये मैंने बिना दूध वाला ओरिजिनल बनाकर दिखाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऑल का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।